बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग ग्लोरी दिखाऊंगी। ये देखो, इसके कलर बहुत खूबसूरत और बहुत डिफरेंट कलर इसका, ये आप देखिए। इसके मैंने सीड मार्च में ग्रो किए थे, नर्सरी से मैंने सीड लिए थे। इसके सीड थोड़े मुझे एक्सपेंसिव मिले थे, तो मैंने ये जो है 10 इंच का पॉट है, देखिए इसमें मैंने लगाया हुआ है। तो मार्च में मैंने लगाए थे, एक मैंने ये सीड लगाया हुआ है, दूसरा मैंने इधर लगाया था, ये आप देखें ये वाला। इधर भी ये ब्लूम किए हुए हैं मॉर्निंग ग्लोरी के। ये मैंने 2 लगाए थे, ये 2 है, ये मेरा सेकेंड फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर से नीचे जाते हैं तो ये डोर है, तो डोर को मैंने इस तरह से मॉर्निंग ग्लोरी लगा के इस तरह इसका ये इसको डेकोरेट किया है। ये आप देखिए इस तरह से, अभी फ्लावर बर्ड्स बहुत बनी है लेकिन फ्लावर्स अभी नहीं आए, फ्लावर्स अभी थोड़े ही आए हैं इस पर। तो इस तरह से हम ना नीचे जाते हैं, तो मैंने ये दरवाजे के साथ ही कुछ इस साइड्स पे मैंने प्लांट्स रखे हैं और मॉर्निंग ग्लोरी ऊपर चढ़ा दी है, और कुछ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये मॉर्निंग ग्लोरी ऊपर को मैंने इस तरह से चढ़ाई है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जब हम ऊपर आते हैं छत पे या जब नीचे जाते हैं तो अच्छा लगता है ये। तो अभी मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में हम जब बात करें तो इसको हम गार्डन सॉइल में लगा दें, और मैंने ये कार्डम कंपोस्ट इसमें लगाई है, यही बस मैंने डाली है कार्डम कंपोस्ट। और कभी कभी मैं इसमें बनाना पील और आलू के छिलके जो होते हैं प्याज के, उनका मैं बना के 24 घंटे तक मैं उनको डिप करके पानी में, तो जो वो वाला फर्टिलाइज़र देती हूँ क्योंकि वो फ्लावर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, वो मैं इसमें लगाती हूँ। अगर इसकी मॉर्निंग ग्लोरी की धूप की बात करते हैं तो इसको हाफ डे की धूप हो तो वो सही रहेगी, फुल धूप में इसके जो लीव्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं, ये फुल डे धूप में अच्छा नहीं सर्वाइव करता। तो इसको हाफ डे की धूप, सुबह 4-5 घंटे की धूप हो तो वो बेस्ट इसके लिए रहती है। और अगर पानी की हम इसमें बात करते हैं तो इसको मॉइस्चर पसंद है, मॉर्निंग ग्लोरी को मॉइस्चर वजह से, इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्चर रहनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी ड्राई होती है तो इसके जो ये लीव्स हैं ये भी ऐसे वो जैसे मुरझाए होते हैं वैसे हो जाते हैं, तो इसको डेली पानी देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर है। इसके साथ ही ये मैंने एलोवेरा के लगाए हुए हैं, ये पर्पल हार्ट है, ये रिबन ग्रास के लगाए हुए हैं, पर्पल हार्ट ये है, ये वांडरिंग जू है। इसी तरह से थोड़ा सा मैंने इसको मेंटेन किया है, इस तरह से देख सकते हैं से, और फिर इधर से ऐसे आएंगे। बस आपके साथ ये करना था शेयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड लव पीस।